हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद है। सुहागरात का गाना, गुलजार की कलम और एआर रहमान का संगीत, 26 साल से राज कर रहे हैं ये सॉन्ग, आज भी जारी है खुमार। बॉलीवुड में कलम के जादूगर कहे जाने वाले गुलजार ने अपने करियर में सैकड़ों सुपरहिट गाने लिखे हैं। बॉलीवुड के दिग्गजों में केवल गुलजार ही हैं जिन्हें अपनी लेखनी के लिए ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद बॉलीवुड के किसी भी दूसरे लिरिक्स राइटर को आज तक ये सम्मान नहीं दिया गया। गुलजार ने यूं तो कई बेहतरीन गानों में अपनी कलम की जादूगरी दिखाई है, लेकिन एक खास गाना 1998 में उनकी कलम से फूटा था। ये गाना इसलिए खास है क्योंकि इस गाने को सुहागरात के एहसास पर लिखा गया था। साथ ही इस गाने में एक भी शब्द गंदा नहीं था, क्योंकि इस गाने को आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। इस गाने को साल 1998 में आई फिल्म दिल से में फिल्माया गया था। इस गाने का ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने कंपोज किया था। गुलजार ने खुद इस गाने के किस्से को शेयर किया था। गुलजार ने अपने एक इंटरव्यू में इस गाने को लेकर खुलकर बात भी की थी। गुलजार ने बताया था कि मुझे डायरेक्टर ने फिल्म का सीन समझाया था, जिसमें उन्होंने मुझसे सुहागरात की एक तस्वीर खींचने की बात भी कही थी। इसके बाद मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा। मैं ये जानता था कि ये गाना लता मंगेशकर गाएंगी। उनका एक उसूल था कि वे गंदे शब्दों से भरे गाने नहीं गाया करती थी। इसी के चलते मैंने इस गाने को एक अलग एहसास के साथ लिखा था। जब मैंने शुरू किया तो काफ़ी सोचा, फिर अपने आप ही एक तस्वीर खींचती चली गई। बाद में इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया। डायरेक्टर मणिरत्नम की इस फिल्म में शाहरुख खान और मनीषा कोइराला लीड रोल में नजर आए थे। 1998 में रिलीज हुई फिल्म दिल से की कहानी लोगों को खूब पसंद भी आई थी। फिल्म के गानों को भी लोगों ने खूब प्यार दिया था। सुहागरात की दास्ता बताता गाना जिया जले जाँच जले 26 साल से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। फिल्म के इस गाने को लोगों ने खूब पसंद भी किया था और आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में ये गाना शीर्ष पर आता है। ये गाना सुपरहिट रहा था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की थी। 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने एवरेज कमाई की थी। फिल्म की डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करें तो 18 करोड़ 40 लाख रुपए रहा था। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 28 करोड़ रुपये के पार चला गया था। फिल्म में मनीषा कोइराला की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हुई थी। साथ ही शाहरुख खान की स्टारडम में भी इस फिल्म ने 4 चांद लगाए थे। फिल्म के गाने आज भी चर्चा में रहते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।